जल्द सुनवाई कर स्थिति को साफ करेगा, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए दिशा निर्देश भी तैयार करेगा। बहरहाल ये देखना होगा कि अपने विस्तृत जवाब में केंद्र सरकार सीआरपीसी के प्रोविजंस का हवाला देते हुए तमिलनाडु सरकार के फैसले को किस तरह से गैर कानूनी बताएगा। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ विकास सारथी, ईडी न्यूज दिल्ली।